यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र जो कि चौब बॉर्डर होते हुए हंगरी की तरफ आ रहे थे, ऐसे 6,711 बच्चों को भारत बुडापेस्ट के रास्ते भेजा गया है। अब आगे क्या रहेगा ऑपरेशन गंगा, इस पर बात करने के लिए बुडापेस्ट में जो ऑपरेशन गंगा के इंचार्ज हैं कुमार तोहिन, वो मेरे साथ मौजूद हैं। सर, अब तक कितने बच्चे भेजे जा चुके हैं और अब भी क्या कुछ बच्चे आ रहे हैं? कल तक हमारी जो फ्लाइट्स गई हैं, 31 फ्लाइट्स गई हैं, उसमें 6,100 के आसपास बच्चे जा चुके हैं और अंतिम फ्लाइट में हमारे मंत्री जी भी उनके साथ में बैठकर गए हैं। अभी जो बच्चों की संख्या बहुत ही कम है और बहुत ही इक्के दुक्के बच्चे अब आ रहे हैं हमारे पास में, लेकिन भारत सरकार का ये निर्णय है कि जो भी बच्चा होगा सबको सुरक्षित, सबको भारत ले जाया जाएगा। यानी उनके रहने, जैसे पहले बच्चे आ रहे थे बहुत सारे नंबर्स में थे, अब उतने नंबर्स नहीं है और उनको व्यवस्था कराएंगे आप लोग यहाँ पर रुकने और भेजने की? जो भी अगर बच्चे आएंगे यहाँ पे, जितने भी नंबर होगी, वैसे हमारी यही आकलन है कि संख्या बहुत कम है, अभी सबके लिए इंतजाम किया जाएगा और हम लोग वहाँ बुडापेस्ट में उनके रहने का और उनके जाने का भी इंतजाम हम लोग करेंगे। एक आखिरी सवाल ये कि जो कुछ बच्चे सुमी में फंसे थे उनको भी निकालने की तैयारी है, क्या वो बच्चे इस तरफ आएंगे हंगरी बॉर्डर की तरफ से होते हुए ये भारत भेजे जाएंगे? देखिए, मुझको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं आपको बता सकता हूँ कि हंगरी के अंदर जो आ चुके हैं उनके लिए बारे में क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे नहीं है मेरा न तो मेरा मेरी कोई जानकारी है, न मेरा कोई सोर्स है, न मेरा बोलने का कोई मैंडेट है उसके बारे में। जिन्होंने बताया कि कुछ बहुत कम नंबर से बच्चे हैं और उन्हें भी यहाँ पर जो सरकार है उनके रहने और खाने की व्यवस्था कर रही है और जल्द ही उन्हें भी यहाँ से वापस भारत भेजा जाएगा। कैमरा मैन सचिन कपूर के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज़, बुडापेस्ट।